शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है? क्यों? क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। एक और सुन। शोभा सिर्फ फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली तीनों ही बड़ी फिल्में यानी कि दोस्तों हर हर महादेव, अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु और अजय देवगन की फिल्म ठेंगोट के दो दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अपडेट होकर आ चुके हैं। इन तीनों ही फिल्मों में दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते किसने सबसे ज्यादा कमाई की है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों इन तीनों ही फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हर हर महादेव के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको शरद केलकर और सुबोध भावे नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अभिजीत देशपांडे ने। दोस्तों बताते चले आपको कि ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म थी जिसके लीड में आपको इन दोनों ही एक्टर्स के अलावा और भी कई सारे बेहतरीन स्टार कास्ट नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से भी आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिलते हुए नजर आए हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी भाषा में लगभग 800 से 1000 स्क्रीन्स पर कल रिलीज किया गया था, जिसका क्लेश दोस्तों काफी बड़ी बड़ी फिल्मों से हुआ। लेकिन दोस्तों मराठी रीजनल फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन तो एक रीजनेबल टोटल लेने में कामयाब रही और लगभग 3 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने नेट बॉक्स ऑफिस पर की, तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए की कमाई ये फिल्म ग्रॉस बॉक्स ऑफिस में कमाने में कामयाब रही। अपने पहले दिन दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन था वो 5.5 करोड़ रुपए का रहा, जो कि एक तरह से दोस्तों हर हर महादेव यानी कि दोस्तों मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक काफी बढ़िया कलेक्शन है। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को फैंटास्टिक रिव्यूज दिए जा रहे हैं। एक्शन दोस्तों इस फिल्म का लाजवाब है, साथ ही साथ दोस्तों कहानी भी इस फिल्म की ऑडियंस को पसंद आ रही है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने दूसरे दिन जहां इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन लगभग 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह फिल्म दोस्तों अपने शुरुआती 2 दिनों में 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडिया और दुनिया भर में पार कर चुकी होगी और इसी के साथ काफी कम बजट पर बनाई गई हर हर महादेव बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट ट्रेंड कर रही है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि हर हर महादेव अपने लाइफ टाइम में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई दुनिया भर से करके एक सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाए। बात की जाए दोस्तों यहां पर अब अगली फिल्म यानी कि थैंक गॉड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को भी अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी ओपनिंग मिलती हुई नजर आई है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली सोशल कॉमेडी फिल्म थैंक गॉड, जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह नजर आई थी। लगभग 2500 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली दोस्तों इस कॉमेडी फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अपने पहले दिन मिक्स रिव्यूज मिलते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन कल 8.10 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब रही, जो कि दोस्तों एक तरह से इस साल की टॉप 10 ओपनिंग्स में शामिल है। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए हैं और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर एक स्ट्रांग होल्ड करती हुई नजर आ रही है। आज की इस फिल्म की दोस्तों एडवांस लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू चुकी थी। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की 9 से 11% की थी, लेकिन दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग ऑक्यूपेंसी में आज भी इस फिल्म के काफी अच्छा होल्ड देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि ये फिल्म आज लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का कलेक्शन इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ का हो चुका होगा। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 24 करोड़ रुपए की कमाई शुरुआती 2 दिनों में कर चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों यहां पर अब दूसरी फिल्म यानी कि सुपरस्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड राम सेतु के बारे में, जो कि दोस्तों एक हिस्ट्री एक्शन एडवेंचर फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको अक्षय कुमार के अलावा जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है दोस्तों अभिषेक शर्मा ने, जो कि इससे पहले परमाणु जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। और अगर बात की जाए यहां पर फिल्म राम सेतु की, तो दोस्तों राम सेतु को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए हैं। वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए हैं। सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस फिल्म में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। यह फिल्म दोस्तों एक्शन और एडवेंचर दोनों से ही भरी हुई है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में आपको साइंस और हिस्ट्री का ब्लेंड भी देखने को मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो राम सेतु इस हफ्ते रिलीज होने
होने वाली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है जिसमें आपको हिस्ट्री और एक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। यही वजह है दोस्तों कि ऑडियंस इस फिल्म को एंजॉय कर रही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में मिलाकर 3100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने एडवांस में ही लगभग 4 करोड़ रुपए कमा लिए थे। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी अच्छे रिव्यूज की वजह से दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले दिन का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो अपडेट होकर 15 करोड़ 25 लाख रुपए का रहा, जो कि दोस्तों इस साल बॉलीवुड के लिए दूसरा सबसे बेस्ट कलेक्शन है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन का कलेक्शन निकल कर आया है वो 18 करोड़ 50 लाख रुपए का रहा है। यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सेकंड बेस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनी है। और यही वजह है दोस्तों कि राम सेतु ने अपने पहले दिन एक तगड़ी ओपनिंग ले ली है। बताते चले दोस्तों आपको कि जिस तरह से इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से रिव्यूज मिले हैं उसी वजह से दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी ऑडियंस को पसंद आ रही है। आज की इस फिल्म की जो दोस्तों एडवांस है वो लगभग 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म आज लगभग 15 से 18% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। आफ्टरनून और इवनिंग में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 25 से 28% की है। वहीं दोस्तों नाइट में इस फिल्म के आज भी कई सारे शो लगभग 25% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी के साथ एडवांस है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज भी अपने दूसरे दिन डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर रही है और लगभग 11.5 से 12 करोड़ रुपए की कमाई आज इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन शुरुआती 2 दिनों का 27 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। तो वहीं दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर यह फिल्म 33 करोड़ रुपए के आंकड़े को शुरुआती 2 ही दिनों में पार कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का कलेक्शन लगभग 42 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर एक हिट ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म को दोस्तों हिट होने के लिए कम से कम 120 करोड़ रुपए की कमाई करनी है। और जिस तरह से दोस्तों इस फिल्म के पास 5 दिनों का एक्सटेंडेड वीकेंड है उसके बाद दोस्तों ये फिल्म उम्मीदों के हिसाब से लगभग 70 करोड़ रुपए की कमाई तो अपने वीकेंड में ही कर सकती है। तो दोस्तों आपको इन तीनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।